हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो एक और मामला बिहार के जलालपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर सामने आया, जहां पर आदित्य तिवारी नाम के एक 15 साल के लड़के को कुछ मुस्लिम लड़कों ने मिलकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद फिलहाल ट्विटर पर #justiceforaditya ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें, आदित्य तिवारी जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाया करता था, जहां पर जिन मुस्लिम लड़कों ने उस पर हमला किया है वो भी उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाया करते थे। बताया ऐसा जा रहा है कि आदित्य तिवारी ने इन सभी मुस्लिम लड़कों को एक लड़की को टीज यानी कि उसे परेशान करने पर रोका था या वो इसका अपोज किया था, जिसकी वजह से आदित्य तिवारी पर यह हमला हुआ। आपको बता दें, आदित्य तिवारी ने जब इन सभी लड़कों को उस लड़की को परेशान या टीज करने पर रोका, तो जिसके बाद अगले ही दिन जब आदित्य तिवारी अपने स्कूल में एग्जाम देने के लिए जा रहा था, तो तभी इन सभी मुस्लिम लड़कों ने मिलकर उस पर एक धारदार हथियार यानी कि आप चाकू कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उसी से इस पर जोरदार से हमला किया, जिसके बाद आदित्य तिवारी की मौत हो गई। आपको बता दें, ट्विटर पर फिलहाल #justiceforaditya ट्रेंड कर रहा है, जहां पर जो फोटोज जो पिक्स निकल कर आई हैं वो मैं आपको यहां वीडियो पर नहीं दिखा सकता, आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर #justiceforaditya ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद बिहार सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए। और बताया ऐसा भी जा रहा है कि जिन लड़कों ने आदित्य तिवारी पर ये जो हमला किया है, उन सभी लोगों ने पहले एक स्टेटस लगाया जहां पर उन्होंने लिखा खेला होवे और आज जेल हुई कल बेल हुई, इस तरीके के गाने के उन्होंने स्टेटस भी लगाए। और फिलहाल ट्विटर पर #justiceforaditya ट्रेंड कर रहा है। और हम लोगों ने अब से कुछ ही महीने पहले और कुछ ही दिन पहले और देखा था कि एक लड़की के ऊपर एक मुस्लिम लड़के ने तेजाब फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो मतलब आजकल देख रहे हो जो वेब सीरीज वगैरह चल रही है, इनकी वजह से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि लोग समाज में मतलब डर ही नहीं रहे हैं, पुलिस और क्राइम करने पर तुले हुए हैं, एक के बाद एक क्राइम निकल कर सामने आ रहे हैं। आखिर क्या है आपकी राय इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको जो भी पिक्स वगैरह देखनी है आदित्य की, वो आप ट्विटर पर आके देख सकते हैं, जहां पर फर्स्ट में ही #justiceforaditya ट्रेंड कर रहा है। आखिर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।